Hello everybody, in today's video we will learn the part 2 of some basic concept of chemistry. In this session we will study the scope of chemistry, historical approach to nature of matter, states of matter, properties of matter and its measurement. As a system of units, uncertainty in measurements, dimensional analysis, laws of chemical combination, atomic and molecular masses, mole concept and molar masses, percentage composition, empirical and molecular masses, equivalent weight, concept of limiting reagent. Ye sare topics hum deal karenge is lesson mein. So let us begin with what is chemistry from the basic. सो बेसिकली केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी मैटर. और केमिस्ट्री को हम साइंस का वो पार्ट बोलते हैं जिसमें हम डील करते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स को. मत मीन्स केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. नाउ व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री? सो वी विल स्टडी द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. दैट फर्स्ट ब्रांच इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी स्टडी ओनली अबाउट द कार्बन कंपाउंड, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. सो जितने भी कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं इसमें. सो कार्बन, जिसके बारे में हम जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 4, और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखते हैं तो लिखते हैं 1s2, 2s2, सॉरी कार्बन के एटॉमिक नंबर इज 6. So if we write the configuration, that will be 1s2, 2s2, 2p2. So that will be 2 and 4. So the here we can see ki jo iske valence electron hai wo 4 hai, and the valency is also 4. Valency is 4. Next, so in organic chemistry we deal only with the carbon and its derivatives and hydrocarbon, means carbon related compounds. Next, in inorganic chemistry, in this branch we deal all the elements except carbons, all other elements except carbons, and largely concerned itself with the study of minerals found in earth crust. Iske baad aata hai physical chemistry, जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स गवर्निंग वेरियस केमिकल फेनोमेना एंड इट्स मेन कंसर्न टू दिस ब्रांच. इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद लॉज एंड थ्योरीज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री. इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो सारी केमिस्ट्री जो जिसमें इन्वॉल्व है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बारे में. सो वी स्टडी बेसिकली द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस अंडर दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. इन दिस ब्रांच वी डील्स द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस. अदर वन इज बायोकेमिस्ट्री. इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील ऑल द केमिकल चेंजेस going in the bodies of living organisms. Means basically biochemistry means biology with chemistry, means all chemical changes in any living organisms like plant and animals. Other last one is nuclear chemistry. Nuclear chemistry means nuclear reaction like fission, fusion, these all are nuclear reaction. So transmutation process our studies under in this branch. Let us go through it. Properties of matter and their measurement we will study in this. So every substance has unique or characteristic property, that we know, and these properties can be classified into
वेरियस कैटेगरीज लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो किसी भी मैटर के दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है और सेकेंड है वो केमिकली किस तरह से कंबाइन करता है और उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी पहले जान लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं, मतलब जो चेंज नहीं होती है और वो हमेशा एक उसकी आइडेंटिटी होती है, जो बाहर से वो कोई चीज़ कैसी दिखती है हम उसे बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी। और कंपोजिशन ऑफ सबस्टेंस लाइक उसका कलर, उसका ऑर्डर, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो उसकी आउटर अपीयरेंस को बताती है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। नेक्स्ट, द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू अकर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। अगर आपने कभी देखा होगा तो अगर हम मैग्नीशियम को एयर में रख दें तो एयर में वो एक्सपोज होकर जलने लग जाता है, तो वो एक तरह का केमिकल चेंज है, वो ना कि फिजिकल चेंज है। जैसे एक आटा है, हम उसे नेडिंग करते हैं तो उसमें जो भी चेंजेस आते हैं शेप में, दैट इज़ दैट आर ऑल फिजिकल चेंजेस। अगर हम बेसिक देखें तो बेसिक चीज़ में कि वो जो चेंज होता है उसके आउटर सरफेस में, जो बाहर उसकी आइडेंटिटी है, उसके कलर है, उसका ऑर्डर है, उसकी ये सब चीज़ें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है। बट वॉट आर केमिकल प्रॉपर्टी, द कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं दैट आर ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस, दिस इंक्लूड्स दैट्स द बेसिसिटी ऑफ अ सबस्टेंस और एसिडिटी ऑफ अ सबस्टेंस और कंबस्टिबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस। मीन्स ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो मैटर की होती है, जैसे लेंथ है, एरिया, वॉल्यूम, दीज आर क्वान्टिटेटिव इन नेचर। If we will talk about metric system based है decimal system पे। तो बाद में international SI system आता है, SI unit, जो SI unit क्या होता है, the standard international system of unit, जिसे हम standard unit भी कहते हैं, standard system बोलते हैं जिसे। इसमें क्या होता है, इसका French ली सिस्टम में इंटरनेशनल डी यूनाइट्स एब्रीविएटेड एज SI। इसे इस्टेब्लिश किया गया 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में, दैट वाज ऑन वेट्स एंड मेजर्स CGPM फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस जनरल डीज पॉइंट्स एज एट मेजर्स। द SI सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स, व्हाट आर दोस? तो 7 बेस यूनिट्स आर लेंथ, the unit is meter, the mass, unit is kilogram, time, the unit is second, temperature, the unit is Kelvin, amount of substance, that unit is mole, electric current, the unit is ampere, and luminous intensity, that is candela. Next, अगर हम बात करें यहाँ पे multiple prefix और symbols की, so 10 to the power 12 minus 12, that is called pico or p. 10 to the power minus 9, that is nano or n. 10 to the power minus 8 is equal to micro or mu. 10 to the power minus 3, that is milli m. 10 to the power minus 2 is centi or c. 10 to the power minus 1, that is deci or d, and 10 is equal to deca. 10 square is equal to hecto or h, 10 cube is equal to kilo or k, 10 to the power 6 is equal to mega, 10 to the power 9 is equal to giga, 10 to the power 12 is equal to tera. Next we will discuss mass and weight. Mass, what is mass? Amount of substance present in it is called mass. मतलब किसी substance में जो amount present है हम उसे उसका mass बोलते हैं. But weight, force exerted by gravity on an object is called its weight. Weight वो
फोर्स है जो ग्रेविटी उसके ऊपर जिस फोर्स से उसे अपनी ओर पुल कर रही है या पुश कर रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं वेट। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम इज अ इट्स यूनिट इज मीटर क्यूब एंड इक्वल टू लीटर, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1000 cm³ और 1 dm³। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी इज अ सबस्टांस अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, और डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास बाय वॉल्यूम। सो ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी होती है किलोग्राम, जैसे कि हम उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, एंड वी नो द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम केजी एंड द वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। सो द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? किलोग्राम मीटर माइनस क्यू। ये जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव टर्म आ जाएगा, सो दैट्स व्हाई केजी मीटर माइनस क्यू। नेक्स्ट टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं। टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं जो कि है डिग्री सी, फ़ारेनहाइट और केल्विन, एंड एसआई यूनिट्स आर, एसआई यूनिट टेम्परेचर का केल्विन है, दैट इज डिनोटेड बाय के। और रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5°C +32, एंड केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273.15। नेक्स्ट वी विल मूव टू द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम दैट इज साइंटिफिक नोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द अनसर्टिनिटी इन मेजरमेंट। तो टू हैंडल द नंबर्स फॉर द कन्वीनियंस एंड इट प्रेजेंट द डाटा उसे रियलिस्टिक और कन्वीनियंट बनाने के लिए जो जिस तरह से उसे नोटेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि मैं अगर बात करूँ एक फिगर की, तो दैट वन फिगर इज 0.000004। इस डिजिट को हम लिखेंगे 4.0×10⁻⁸ meter. So this is called the scientific notation. Another thing, if we will talk about significant figures, what are significant figures? Significant figures kya hote hain? All the certain digits and at least one doubtful digit is called significant figure. Ab isko nikalne ke kuch rules hain. Significant figures ko kaise nikalte hain? All non-zeros are significant. Jitne non-zero hain, wo significant hain. जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 6.9 हैज़ 2 significant figures, वाइल 2.16 हैज़ 3 significant figures। द डेसिमल प्लेस डज नॉट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 2 इज ऑल जीरोज इन बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अगर बीच के सारे आगे पीछे दोनों साइड नंबर है और बीच में कितने भी जीरो है, तो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। बट अगर जीरो बिगनिंग में है या फिर जीरो
बिगनिंग में अगर जीरो है तो उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते, ये हमारा थर्ड इसका रूल है. फोर्थ रूल इज ऑल जीरोज आफ्टर द जीरोज आर सिग्निफिकेंट. सो बेसिकली वंस अगेन वी विल रिवाइज द रूल. पहले फर्स्ट हम जानेंगे रूल, फिर से देखते हैं. ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जाम्पल इफ अ नंबर इज 4.345, इन दिस केस सिग्निफिकेंस फिगर आर 4. देखेंगे 1, 2, 3 एंड 4 सभी सिग्निफिकेंट फिगर हैं. लेकिन अगर इफ वी विल टॉक अबाउट ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट. एग्जाम्पल देखेंगे 2.002. इन दिस केस ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज, ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो और इसके बीच में ये जीरो आ रहे हैं. सो दीज ऑल आर सिग्निफिकेंट. सो इफ यू विल टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर हियर? 4. थर्ड रूल इज ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट. ऑल जीरोज बिफोर नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट. जैसे कि जैसे देखते हैं यहाँ पे 0.004. इन दिस नंबर सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 1, क्योंकि सिर्फ यही एक सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, ये सारे जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे. आवर फोर्थ रूल इज ऑल जीरो आफ्टर नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट्स. जैसे वी विल टॉक अबाउट द 2.300. In this case, significant figures are 4. So, 0 बाद में रहेगा तो हम उसे significant figure मानेंगे, 0 पहले होगा तो हमें significant figure नहीं मानेंगे. मतलब किसी non-zero के बाद 0 आता है तो हम उसे significant figure मानते हैं. Next is addition and subtraction of significant figures. So, how we will retention of significant figures, rounding of figures. So, let us see once. If we will talk about, if the digit coming after desired number of significant figure happens to be more than 5, the preceding significant figure is increased by 4.1. जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो यहाँ पे अगर एक नंबर है 4.317, ये अगर इफ वी विल राउंड ऑफ दिस फिगर वी विल राइट 4.32. सो व्हाट इज द रूल? इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैपेंस टू बी मोर देन 5, द प्रिसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1. सो अगर हम देखते हैं यहाँ पे अगर 5 से ज़्यादा है ये नंबर, जैसे कि हम देख रहे हैं 4.317, सो दिस 7 इज मोर देन 5, सो वी विल राइट हियर 3.2. सिग्निफिकेंट फिगर विल बी 3.2. लेट अस टॉक अबाउट द अदर रूल. इफ द डिजिट इन्वॉल्व इन लेस देन 5, इट इज नेग्लेक्टेड एंड द प्रिसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स अनचेंज्ड. अब जैसे इसे राउंड ऑफ करना है, ये नंबर है हमारे पास 4.312. इफ वी विल राउंड ऑफ, बिकॉज दिस नंबर 2 इज लेस देन दैट ऑफ 5, सो वी विल नेग्लेक्ट दिस नंबर एंड वी विल राइट राउंड ऑफ लाइक दिस 4.31. नेक्स्ट रूल, इफ द डिजिट हैपेंस टू बी 5, द लास्ट मेंशन ऑफ प्रिसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1 only in case it happens to be odd. In case even figure preceding digit remains unchanged. Like ये example देख लेते हैं. जैसे कि अब यहाँ पर देख रहे हैं 8.375 है, तो अगर हम जब इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर राउंड ऑफ करके 8.38 लिखेंगे, while 8.365 को राउंड ऑफ करें तो 8.36 हम लिखेंगे. नेक्स्ट इज
So if we will add addition and subtraction of significant figures, if we will add some significant figures like 23.2 and 4.65, 3.267, then so after the adding these numbers we will get 31.117. So while round offing we will cut this number still here and we will write this number also. So the significant figure 31.1. So significant figures will be 3. Next, another, we will see another one more example. If we have one more addition, 46.04 and 2.364, और एक और नंबर ले लेते हैं हम 3. ओके 4 डिजिट ले लेते हैं 7721. ओके ये तीन नंबर ले लिया. अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें ऐड करने पे आ जाएगा ये 426 71.2 and 5. सो इन दिस केस if we will rounding off, after rounding off how we will write, 52.18. so this number is more than 5. So if we will round off we will write this number 52.18 and in this case significant figure will be 4. Next we will see once multiplication and division of the significant figures. So first we will see here 42.6. if we will multiply this number by 2.4 kya hoga 4071. So the answer will be 102.24. So answer should be accordingly low significant figure. Here we will consider low significant figures. Let us carry on dimensional analysis. If we will talk the dimensional analysis, what is dimensional analysis? So dimensional analysis kya hai? Dimensional analysis, during calculation generally there are need to convert units from one system to another. Jab hum koi problem solve karte hain to kya hota, sabhi ek hi hamare system mein nahi hote, kuch सेंटीमीटर्स है कुछ किलोमीटर्स में है, लेकिन हमें सबको उसमें क्या करना होता है कि एक ही सिस्टम में लाना होता है. देन वी कैन कन्वर्ट, वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. सो दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस. सो ड्यूरिंग कैलकुलेशंस इट हैज़ अ नीड टू कन्वर्ट यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. सो दिस इज कॉल्ड फैक्टर लेवल मैथड और यूनिट फैक्टर मैथड और डायमेंशनल एनालिसिस. तो इसमें हमें कुछ बेसिक्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10^3 क्यू मीटर. अगर इफ़ यू विल टॉक अबाउट द 1 nm इज इक्वल टू 10^-9 मीटर, 1 pm इज इक्वल टू 10^-12 m, 1 ampere इज इक्वल टू 10^-10 मीटर. इफ़ यू विल टॉक अबाउट 1 hm इज इक्वल टू 10^-6 m, 1 centimeter is equal to 10^-2 m, 1 mm is equal to 10^-3 m, 1 mile is equal to 1.6 kilometers. So these are the some important analysis, means conversion of units. If अब एक अगर बात करें हम 1 atmospheric pressure की 1 atm
is equal to 1.008 bar and equal to 760 mm is equal to 76 centimeter and it is equal to 1 into 10 to the power 5 Pascal. And if we will convert the unit of volume, 1 liter is equal to 10 to the 1 to the power 1 decameter cube. That is equal to 1000 cc. That is equal to 1000 ml. So 1 liter is equal to 1000 ml. Next, conversion factor. What are conversion factor? If we will convert 6 mile in kilometer, 1 mile is equal to 1.6 kilometer. So 6 mile is equal to 1.6 kilometer into 6, that is 9.6 kilometer. So if we will convert 1 liter atmospheric ATM is equal to 101.32 joule. So if we have to convert 60 liter atmospheric pressure into joule, how will we convert this? So 60 liter is equal to 101.32 into 60. That will be equal to almost 6079.20 joule. Okay. Let us move to the next. Here, physical classification of matter, that is solid, liquid and gas. I hope you studied already. These all are volume, that properties and shape. The solid is definite and liquid has indefinite shape and gaseous has indefinite shape. Volume, solids volume is definite, liquids having indefinite volume, but gas have indefinite volume. If we will talk about intermolecular force of attraction, solid very high, liquid moderate and gas negligible or very low. And if we will talk about the arrangement of molecules, it is orderly arranged. Liquid has free to move within the volume and gas has free to move everywhere. Intermolecular force, that is very small in solid and slightly greater in liquid, and in gas very great. If we will talk about the compressibility, solid is not compressible, liquid is also not compressible and gas are highly compressible. If we will talk about the expansion on heating, solid is very little, liquid has very little expansion after heating, and gases are highly expandable after heating. And if we will talk about the rigidity, so solid are very rigid, liquids are not rigid, known as fluid. Gaseous are not rigid and known as fluid. If we will talk about the fluidity, solid cannot flow, liquid can flow and the gas also can flow. Diffusion ki jo property hai, solid can diffuse due to kinetic energy of liquid or gas. Liquid can diffuse and rate of diffusion is very fast. Gases also can diffuse and rate of diffusion is very high. So this is the order of chemical classification of matter. If we will classify the matter in mixture and pure substances, and further if we will classify the mixture, then we will get homogeneous and heterogeneous mixture, and if we will further classify the pure substance, we will get elements and compounds. Now come to the elements. So elements kya hota hai? Elements are the simplest form of matter that cannot be split into simpler substance. Matlab usse aur chote part mein nahi kiya ja sakta hai, that are called elements. And
Now, these time, 114 elements are known, out of which 92 are naturally occurring, and jo rest hai, usse artificially prepare kiya gaya hai. So, 92 are naturally occurring elements, and one rest of the elements are artificially made. So, elements are further classified into metals, non-metals, and metalloids. Next is compound. Compound is a pure substance made up of two or more elements combined in a definite proportion by mass, and it could be split by suitable chemical methods. These are some characteristics of compound. Now, if we will talk about the mixture, what are mixture? Mixture is a combination of two or more elements or compounds in any proportion. जब हम एक fixed proportion मिलाते हैं तो compound बनता है, और any proportion में if we will mix it, then it is called a mixture. And mixture are of two types, homogeneous and heterogeneous. Homogeneous mixture means if the composition of a sample is throughout, that is called, means that वहाँ पे क्या होता है, कोई किसी solution में, जैसे example, if we will talk about the air, if we will talk about the gasoline, sea water, brass, etc. That mixture is homogeneous mixture. And if we will talk about the heterogeneous mixture, heterogeneous mixtures are not uniform. So, homogeneous mixture uniform hote, ye non-uniform hote. They consist two or more phases which have different composition, and mixture are have visible boundaries of separation between the different constituents, can be seen with naked eye. Like sand and salt ko agar milate hai, chalk and chalk powder in water. So if you will leave some time, so chalk jo hota hai wo niche precipitate ke form mein baith jata hai, so we can see the layer of chalk and water. So these type of mixtures are called heterogeneous mixture. Now, very important, laws of chemical combinations. क्या है ये law of chemical combination? Basically, when elements combine and forms a compound, there are some few laws. First is law of conservation of mass, given by Lavoisier. Lavoisier ने 1789 में लॉ दिया था, that is states the matter, मतलब जो matter के states होते हैं वो neither created nor destroys. Next was law of definite proportion. So once again we will see the law of conservation of mass. थोड़ा सा देख लेते हैं उसे कि Lavoisier ने दिया था. Suppose इसका एक example देख बताती हूँ मैं, कि जैसे कार्बन है एंड ऑक्सीजन है, दे कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. हियर कार्बन हैविंग 12 एटॉमिक मास एंड ऑक्सीजन हैविंग टू मॉलिक्यूल्स, वन ऑक्सीजन कंटेंस 16 एंड टू ऑक्सीजन कंटेंस 32 एंड इट फॉर्म्स 44 ग्राम. So, if you will add here, we will get 44 gram, and here also 44 gram. So, both are equal. Means, अगर कोई chemical composition होता है, तो जितने elements के का जो mass था, वो always preserve होता है. That neither be changed, nor be created, nor be destroyed. मतलब, पहले भी ये 44 gram थे, और बाद में भी 44 gram ही है. That is, the ये कहता है हमारा conservation of, law of conservation of mass. Let us see another one example. If we will see in AgNO3, that is silver nitrate. अगर silver nitrate को हम ठीक है NaCl से एक reaction कराते हैं, NaCl. So here ये Ag silver sodium chlorine से reaction कर लेगा, so AgCl और plus बन जाएगा यहाँ पे NaNO3, ये इससे रिएक्ट हो जाएगा, तो NaNO3. सो यहाँ पे दो तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये अगर इसका अगर एटॉमिक वेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये Xg सपोज करते हैं, मैं यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ,
So both will be same always. That says the law of conservation of mass. ये कहा था लेवोजियर ने कि product बनने से means reactant side and product side mass will be same. Next is law of constant composition या फिर law of definite proportion जिसे हम बोलते हैं. That has been given by Joseph Proust. जोसेफ प्राउस ने 1799 में ये रूल दिया था और उन्होंने क्या कहा था कि वॉट एवर द सोर्सेज ऑफ द कंपाउंड मे बी द एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट एंड वॉल्यूम. सो केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट इन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और अ सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज टेकन. एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ मैं. जैसे CO2 बाय वॉल्यूम इफ वी विल सी द रेशियो विल बी 1:2 हियर. सो एंड इफ वी विल सी द रेशियो बिटवीन द मास दैट विल बी 12:32 और इसको हम इस तरह से 3:8 भी लिख सकते हैं. अगर कैंसिल कर दें तो 3:8 हो जाएगा. तो 3:8 लिख देंगे. ओके तो ये है. तो उनका कहना था ये कि कभी भी कोई केमिकल कंपाउंड अगर बनता है तो फॉर्मेशन के लिए जो वॉल्यूम और मास का रेशियो है वो इसी रेशियो में मिलेंगे तभी वो कंपाउंड बनेगा, नहीं तो वो कंपाउंड नहीं बनेगा, कुछ और बन सकता है. सो बेसिकली law of definite proportion or law of constant composition that says that whatever the source of the compound may be the element combined in the fixed ratio by weight and volume. Let us see one more example. Agar dekhe water H2O, in H2O by volume the ratio is 2:1 and by mass the ratio will be 2:16, that is also 1:8. So this will be always fixed, means the volume and mass ratio will be always fixed. That says the law of definite proportion. Next, law of multiple proportion. What is law of multiple proportion? That has been given by John Dalton in 1803. इन्होंने क्या कहा था, वेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ द अदर बियर अ सिंपल रेशियो ऑफ टू वन अनदर. क्या है ये रूल, अगर एक एग्जांपल से समझे इसको. CO एंड CO2, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है कार्बन डाइऑक्साइड. हियर अगर इसकी रेशियो और इसकी रेशियो देखें तो रेशियो है 1:2. सो व्हाट बेसिकली मीनिंग इज, बेसिकली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सेज इट इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन इफ द मास ऑफ वन is constant, the second elements bear a whole number of ratio to each other. Let us see one more example of this. Agar hum nitrogen ki compound dekhe, N2O, NO, N2O3, NO2. So here in this case 28, I will write once again, N2O, NO, N2O3, NO2 and N2O5.
Sorry for the bad handwriting. If we will talk about the weight, first agar weight likhein, to iska weight hota hai 28. Weight of NO is 14. Its weight is 28. Its weight is 14 and its weight is 28. And if we weight of nitrogen. नाइट्रोजन की का वेट देखें और ऑक्सीजन का वेट देखें तो यहाँ पे क्या होता है 16 है 16 है क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन है यहाँ भी एक है तो यहाँ भी 16 होगा यहाँ पे तीन ऑक्सीजन है तो 16 थ्री जा 48 एंड यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो 32 और यहाँ पे फाइव ऑक्सीजन है सो इट विल बी हाउ मच 16 फाइव जा 40 एम आई राइट 16, 16, 48, 32. No, it will be not 40, it will be 80. 16, 5 is 80. Yes. Now, so here, अब इसे हम अगर cancel कर लें, तो क्या लिखेंगे? यहाँ पे ये हो जाएगा 14, 2 से करेंगे 8. It will be same. Okay. Next year, if we will continue 14, 24, and okay, let it be. Next is 14 and that is 40. So, here, so O is equal to 8 is to 16 is to 24 is to 32 is to 40. And that is equal to what? 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5. This is called the law of multiple proportion. Ye kehta hai hamara law of multiple proportion. If you understood this. Next is law of reciprocal proportion. What is the law of reciprocal proportion? Okay. Law of reciprocal proportion that is given by pitcher. Law of reciprocal proportion given by pitcher, and according to him, let us see one with example. Law of reciprocal proportion ko ek example ke through dekhte hain ki agar hum hydrogen hai yahan pe sulfur and oxygen hai. अगर इससे एक कंपाउंड बनता है तो जैसे कि कोई कंपाउंड है जिसका नाम है H2S अगर एक सर्कल बना दें यहाँ पे HSO अगर इन दोनों के बीच में कंपाउंड बनेगा तो क्या बन सकता है H2O अगर इनके बीच में कंपाउंड बनेगा तो क्या बन सकता है SO2 अगर इनके बीच में कंपाउंड बनना है तो क्या बनेगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड सो अब इन्होंने क्या कहा था कि H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इसमें दो ग्राम हाइड्रोजन के कंबाइन होते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से मतलब 2 ग्राम्स ऑफ H कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन सॉरी सल्फर दैट इज द रेशियो विल बी 1:16 ग्राम एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द H2O देन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद द 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हियर द रेशियो विल बी 1:8 ग्राम एंड इफ यू विल टॉक अबाउट द SO2 देन द रेशियो ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज 16:8 दैट इज इक्वल टू 2:1 ग्राम So friends, this is the part one of the some basic concept of chemistry. We will continue this lesson and abhi hume discuss karna hai Gay-Lussac's law
of gaseous volume that we will discuss in our next session. So this will be too long if we will discuss now. So if you like this video, please hit a like and subscribe the channel for such more videos, and thanks for watching.